हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे और आज राज्य सरकार ने कृषि विभाग में नए डायरेक्टर की नियुक्ति यहां पर कर दी है। कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर को पदोन्नत किया गया है और इसके तहत बैसाखी राम तक ही अब कृषि विभाग के नए निदेशक हो गए। डीपीसी की सिफारिश के बाद इस नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर विभाग को नया मुखिया मिलना था और इसके तहत ये तैनाती आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बीच अब हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और राज्य की सरकार ने उन्हें ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है, सबसे बड़ी ताजपोशी उन्होंने की है। 31 दिसंबर को मुख्य सचिव के पद से आरडी धीमान सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अब नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आज सुबह 10 बजे पीटोर में बैठक रखी गई थी। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री तीनों ही यहां पर प्रमुख हस्तियां मौजूद रही और तीनों की सहमति के बाद आरडी धीमान को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके बाद ये फैसला जारी हुआ। इस पद पर सीनियर रिटायर्ड हुए ब्यूरोक्रेट नरेंद्र चौहान तैनात थे जो कि बहुत पहले रिटायर हो चुके थे और इसके बाद पिछली जयराम सरकार इस पद को नहीं भर पाई थी। हालांकि इस पद के लिए कई आवेदन पिछली जयराम सरकार को प्राप्त हुए थे। इन्हीं आवेदनों के आधार पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर बैठक की मंत्रणा की, इस आधार पर यह फैसला लिया। और महत्वपूर्ण है कि पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, आरडी धीमान, इसके अलावा आरएन बत्ता जो कि जयराम ठाकुर के प्रिंसिपल एडवाइजर थे, इसके अलावा उनके कार्यालय को देख रहे थे कई दूसरे रिटायर्ड अधिकारी इस रेस में थे। लेकिन माना जा रहा है कि पिछली सरकार ने राम सुभग सिंह को मुख्य सचिव पद से हटाते हुए उनके साथ ये कमिटमेंट की थी कि आपको सीआईसी लगाया जाएगा, लेकिन बीच में कई प्रकार की दिक्कत आई, परेशानी आई, राम सुभग सिंह की इस पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई। इसी वजह से पिछली जयराम सरकार ने, चूंकि ये इस पद के लिए कमिटमेंट उनकी राम सुभग सिंह के साथ थी, लेकिन उनको यहाँ पर नियुक्त न कर पाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस नियुक्ति को पूरी तरह से होल्ड कर दिया और अब यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के चलते ये नई नियुक्ति आरडी धीमान की है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को लेकर उनके बयान को जिस प्रकार से तूल दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जो प्रदर्शन किया गया था विक्रम ठाकुर की अध्यक्षता में, उसमें महिला कांग्रेस न्यू शिमला में थाने में शिकायत की, पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, सार्वजनिक तौर पर महिलाओं को अपमानित करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, कई प्रकार के उन्होंने आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज करवाई है और इसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित कई दूसरी महिलाएं मौजूद रही। उन्होंने की पूर्व मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके बाद उपायुक्त शिमला को मेमोरेंडम भी सौंपा गया, ज्ञापन दिया गया जिसमें कार्रवाई की मांग की गई। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से आज जीओआईटी के तमाम यहां पर कैंडिडेट शिमला आए, सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिले। अभ्यर्थियों ने मांग की कि किसी भी जीओआईटी की परीक्षा को रद्द ना किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं रद्द करना या रिजल्ट होल्ड करना किसी समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है। यहाँ पर शिमला पहुंचे कैंडिडेट्स ने कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की है, गलती की है, उन्हें जेल की सलाखों में भेजा जाए, जितने भी गलत अधिकारी वहां पर बैठे हैं उन्हें हटाया जाए, लेकिन लाखों कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और यहाँ पर कैंडिडेट्स मुख्यमंत्री को ये भी कह रहे थे कि पिछली सरकार के पास लगातार अपनी समस्या को आ रहे थे और एक कैंडिडेट्स ने उसमें कहा कि कम से कम मैं 25 बार अपने घर से रिजल्ट निकालने के लिए इस जंग के लिए आंदोलन का रूप दे चुका हूं, कभी मुख्यमंत्री से मिलना, कभी चीफ सेक्रेटरी से मिलना, कभी मंत्री से मिलना, कभी मीडिया के सामने प्रेस वार्ता के लिए जाना, कभी आंदोलन के लिए सड़कों में उतरना। उस कैंडिडेट का कहना था कि 25 से 30 बार मैं पूरे प्रदेश की सिकंजा कसिए पारदर्शिता परीक्षाओं में लाइए, लेकिन लाखों बच्चों से और इंतजार मत करवाइए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार में 5 भर्तियां लिटिगेशन में फंस गई, 2 भर्तियों के रिजल्ट लीक हो गए और ये सिलसिला क्रमवार यूं ही चलता रहा, तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी पद पर नौकरी पाना
किसी भी कैंडिडेट्स के लिए आसान नहीं होगी। बहरहाल इस मामले पर फिर लौटकर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सुविंदर सुक्खू ने आज एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने इंडिकेशन दी है, बड़ा धमाका किया। लेकिन उससे पहले अब हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल स्टार्ट हो गए हैं, कोविड से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे माना जा रहा है कि एक बार फिर कोविड की स्थिति से निपटने के लिए समूचे प्रदेश को तैयार रहना पड़ेगा। और जिस प्रकार की आज मॉक ड्रिल की गई, केंद्र से मिले निर्देशों के बाद यहाँ पर टीमें तमाम अस्पतालों में पहुंची और कोविड बीमारी से जुड़ी जितने भी इक्विपमेंट थे, जितनी मशीनरी थी, उन उपकरणों की जांच की गई। स्टाफ नर्स व अन्य स्टाफ की तैनाती को लेकर यहाँ पर पूरी प्रेजेंटेशन तैयार की गई। बहरहाल आज मुख्यमंत्री सुविंदर सुक्खू प्रेस वार्ता के लिए होटल पीटरॉ पहुंचे और उन्होंने जीओआईटी की रद्द की गई परीक्षा, और जिस प्रकार से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड किया गया है उस पर विस्तार से बात रखी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक अभिलाष नामक लड़का अपनी अगली परीक्षा को लेकर चिंतित था, कि उसे ये कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दीजिए, आपको घर बैठे पास करवा दिया जाएगा। पूरी जब ये कहानी पहले डीसी के ऑफिस में कैंडिडेट पहुंचा, डीसी वहां पर मौजूद नहीं थी, फिर एडीएम के पास प्रयास किया गया, एडीएम भी नहीं मिले, अंततः विजिलेंस के दफ्तर में कैंडिडेट पहुंचा और अपनी पूरी आप बीती कथा सुनाई। उसने कहा कि पहले भी हमीरपुर कर्मचारी चयनियों के तमाम पर्चे, तमाम परीक्षाएं लीक होती हैं, पैसे देकर पास करवाया जाता है, और उसने कहा कि मुझे भी ऑफर दिया गया है, लेकिन मैं पैसे देकर इस प्रकार की नौकरी हासिल नहीं करना चाहता हूं। अंततः पूरा जाल बिछाया गया, विजिलेंस ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री सुविंदर सुक्खू ने दो टूक कहा कि आप किसी भी हद तक जाइए, आप आगे जाकर जांच कीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। और जब वहां पर स्टेट विजिलेंस की टीम की रेड हुई तो आरोपी महिला उमा, जो कि वरिष्ठ सहायक है, उमा के घर से बाकायदा 3 प्रश्न पत्रों के सेट बरामद किए गए, और इसमें एक प्रश्न जूनियर ऑडिटर का था जिसकी अभी तिथि घोषित नहीं हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कि कर्मचारी चयन आयोग में जिस परीक्षा की अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है, उसका भी प्रश्न पत्र उस महिला के घर था जो कि सीक्रेसी ब्रांच को देख रही थी, वरिष्ठ महिला, गिरफ्तार महिला के घर में था। आप कल्पना कीजिए, जीओआईटी जो कि पत्र प्रश्न पत्र बेचा गया जिसकी कीमत 4 लाख रुपए लगाई गई थी, पोस्ट कोड संख्या 965, जिस परीक्षा को रद्द भी कर दिया है, उसका प्रश्न पत्र का भी सट आरोपी महिला के घर था, यानी कि आने वाली 3 परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर महिला के घर में थे। जबकि नियमों के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच में, जहां बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहां पर सेक्रेटरी नहीं जा सकता, चेयरमैन नहीं जा सकता, जहां पर सदस्य नहीं जा सकता, कर्मचारी चयन आयोग का दूसरा कर्मचारी नहीं जा सकता, इतनी बड़ी रिस्ट्रिक्शन पाबंदी रहती है, वहां से महिलाएं आने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र घर ले आई। इसके पीछे क्या मंशा होगी, ये पूरा प्रदेश अब समझ चुका है। और ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए उठ रहा है कि अकेली महिला, सीक्रेसी ब्रांच की अकेली महिला क्या इतने बड़े फर्जी बाड़े को अंजाम दे सकती है, क्योंकि उस सीक्रेसी ब्रांच में अकेली उमा आजाद नहीं थी, वहां पर कई दूसरे अधिकारी कर्मचारी थे, क्या वे आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए थे, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय उठ रहा था। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सुविंदर सुक्खू ने एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कर्मचारी चयन आयोग की फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार के 3 सेट उनके घर से मिले, इस पर बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी आज हवाला दिया कि महिला के घर से 3 सेट प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 परीक्षाएं जिनके यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि 1 जनवरी को होनी थी, जूनियर ऑडिटर जिसकी तिथि घोषित नहीं थी, इन दोनों परीक्षाओं को भी यहाँ पर रद्द किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न पत्र महिला के घर में थे। अब SIT गठित कर दी है, SIT को ये देखना है क्या इसके पेपर बिक चुके थे या महिला के घर पर मौजूद थे, क्योंकि पेपर अगर कर्मचारी चयन आयोग से बाहर आया, किसी कर्मचारी के घर पर पहुंचा, इसकी लीकेज मानी जाएगी। 3 प्रस्तावित परीक्षाओं के पेपर कर्मचारी चयन आयोग के लीक हो चुके थे, ये विजिलेंस की रेड में प्रमाणित हो चुका है। अब SIT ये जांच कर रही है कि क्या इन दोनों परीक्षाओं को जो कि 1 जनवरी को होनी थी और 3री परीक्षा की जिसकी तिथि घोषित नहीं की थी, क्या इन प्रश्न पत्रों को भी बेचा गया था, क्योंकि अब लगता यही है कि इन तमाम परीक्षाओं को भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बड़ा यहाँ पर ऐलान किया है कि हम
60 दिन का वक्त लेंगे हम। 2 महीने के बाद यानी कि 2 महीने हम स्टडी करेंगे। एसआईटी की टीम को हमने जांच पर लगाया है, इन्वेस्टिगेशन पर तैनात कर दिया, टेक्निकल विंग लगाए हैं। हमीरपुर की लोकल टीम जांच कर रही है, ओएसडी तैनात कर दिया है। वहां से हमने सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी को हटा दिया है। अब हम 2 महीने के बाद पूरा नया मैकेनिज्म तैयार करेंगे ताकि पूरी तरह से पारदर्शी भर्तियां हो। बहरहाल यहां पर शिकायतें कितनी मिली है, मुख्यमंत्री ने आज इसका खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने कहा पोस्ट कोड संख्या 915 में धांधली की शिकायत है। पोस्ट कोड 817 जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हाई कोर्ट से होते हुए लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है। पोस्ट कोड संख्या 817 उसकी भी शिकायत पहुंच चुकी है सरकार को। सहायक अधीक्षक जेल परीक्षा संदेह के घेरे में है, इसकी शिकायत आ चुकी है। जल यहाँ पर जेल वेलफेयर ऑफिसर, इसकी शिकायत आ चुकी है। हॉस्टल बार्डन की परीक्षा की शिकायत आ चुकी है। सहायक खनन निरीक्षक की परीक्षा की शिकायत आ चुकी है। स्टोर कीपर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जेई सिविल, लैंग्वेज टीचर, यहाँ पर कई लिखित परीक्षाओं की शिकायत सरकार को मिल चुकी है। और इन तमाम जितनी भी शिकायतें यहाँ पर प्राप्त हुई है सरकार को, सभी पर जांच बिठा दी है। एसआईटी की जांच करेगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर हमीरपुर पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत हुई और इस शिकायत में कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग का क्लास 4 कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी पैसे लेकर पास करवाता था, ये गोर्ग धंधा। यहाँ पर एक उमाजाद नहीं, कई इसमें शामिल है, कई मछलियां इसमें बेनकाब हो रही है। और इसमें कहा गया कि कर्मचारी चयन आयोग का क्लास 4 कर्मचारी बाकायदा कैंडिडेट से पैसे लेता था और परीक्षा केंद्र में ही उम्मीदवारों का चयन हो जाता था। ये शिकायत पुलिस थाना हमीरपुर में है। मुख्यमंत्री ने कहा इसकी भी गंभीरता से जांच कर रहे हैं। बहरहाल इन शिकायतों को तमाम जितनी हमने आपके समक्ष रखी, इसकी सीरियस इंक्वायरी कर दी है सरकार ने। कई तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां तैनात कर दी है। फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की बात की जाए तो उन्होंने बड़ा बयान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी आधिकारिक रूप से ये पहली प्रेस ब्रीफिंग थी, पहली बार प्रेस से आमना सामना हुआ। हालांकि उनसे आते जाते इनवाइट जरूर मीडिया ने लिया, लेकिन पहली बार मीडिया को इनवाइट किया गया प्रेस ब्रीफिंग के लिए। और इनका सबसे बड़ा बयान मुख्यमंत्री का यहाँ पर था कि जयराम सरकार में अयोग्य युवाओं को भर्ती किया गया, जो एलिजिबल नहीं थे, जो योग्य नहीं थे, उनको सरकारी नौकरी मिली है। और मुख्यमंत्री का सीधा इशारा यहाँ पर यह था कि पैसे बेचकर, पैसों के धंधे से बच्चे पास हुए हैं, जो एलिजिबल थे वो घर में बैठे हैं, लेकिन अयोग्यों को नौकरी मिली है। ये मुख्यमंत्री का बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार आंखें मूंद कर बैठी थी। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर भर्तियां ही नहीं, ड्रग माइनिंग भी यहाँ पर पूरी तरह से जांच के घेरे में है। और उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग माइनिंग पर हमने बड़ी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और इसमें भी कई बड़े सनसनीखेज खुलासे होंगे। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा पिछली सभी भर्तियों की हम जांच कर रहे हैं, 4 साल के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में की गई भर्तियों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने आज बड़ा एक और खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसमें पिछली सरकार ने दोषियों को बचाया है, लेकिन हम पर्दाफाश करेंगे क्योंकि मेरे पास इनपुट है, मेरे पास पुख्ता है सूचनाएं हैं। इसमें भी बड़े स्तर पर मिली भक्ति से फर्जीवाड़ा किया गया और उन्होंने कहा कि इसका जल्द पर्दाफाश होगा, कई सनसनीखेज खुलासे जनता के सामने आएंगे। और कर्मचारी चयन आयोग को जिसे लेकर कई कैंडिडेट्स टेंशन में हैं, खासकर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर परीक्षाएं देने वाले हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो जनता के हित के, जनता के भले में किया जा रहा है। सिर्फ 60 दिन का वक्त मुझे दीजिए, 60 दिन में नया मैकेनिज्म तैयार करेंगे और बाकायदा हम पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाएंगे ताकि पैसे का धंधा खत्म हो जाए और काबिलियत के आधार पर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले। उन्होंने कहा फिलहाल वहां पर काम जो चल रहा है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन के सत्यापन का काम चलेगा। इसके अलावा आज अगर हम कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें, वहां पर एसआईटी की टीम, विजिलेंस की टीम ने पूरी तरह से घेरा डाल दिया। हमीरपुर लोकल पुलिस को साथ लेकर पूरी तरह से कर्मचारी चयन आयोग छाबरी में बदला था। महत्वपूर्ण जिन कर्मचारियों से पूछताछ करनी थी या संबंधित रिकॉर्ड लेना था, उन्हीं कर्मचारियों को अंदर बुलाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया। बाकी अधिकतर कर्मचारी चयन आयोग के आज पूरा दिन
परिसर के बाहर धूप सेकते रहे, बिना विजिलेंस एसआईटी के अनुमति के किसी कर्मचारी को अपनी सीट पर बैठने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पूरे का पूरा स्टाफ वहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, दूसरे विभागों में भेज दिया जाएगा। लेकिन जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है, तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को इसलिए वहां से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि गठित की गई एसआईटी को, स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो को कई रिकॉर्ड्स की जरूरत है, यहाँ पर इंटरोगेशन की जरूरत पड़ेगी, कई कर्मचारियों से पूछताछ करनी पड़ेगी, संबंधित ब्रांच से रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। इसलिए मौजूदा समय में जितने भी वहां पर तैनात स्टाफ है वही ये सूचना दे सकता है, रिकॉर्ड दे सकता है। इसके चलते जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी ये स्टाफ यहाँ पर रहेगा, लेकिन बाद में स्टाफ को शिफ्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और माना ये जा रहा है कि इनको दूर दराज के इलाकों में, भरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति ऐसे क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि कम से कम एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश दिया जा सके। इसी बीच अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ये प्लान कर रही है कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के परिसर में लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की ब्रांच से बना दिया जाए और जो क्लास 3 की जितनी यहाँ पर महत्वपूर्ण भर्तियां हैं ये सारी भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, यहीं से इनकी देख रेख हो। साथ में अब सरकार ये भी देख रही है कि वहां पर तैनात चेयरमैन और सदस्यों का क्या किया जाए, क्योंकि 4 सदस्य और 1 चेयरमैन है, इनका क्या किया जाए, इनको हटाने के लिए क्या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए, किस प्रकार के एक्ट और रूल्स को देखा जा रहा है लॉ डिपार्टमेंट से, बार बार इस बारे में राय ली जा रही है क्योंकि यहाँ पर कई बड़े फैसले अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और कर सकते हैं। बहरहाल आज उनसे सवाल किया गया क्योंकि पहली बार ये प्रेस ब्रीफिंग थी उनकी और महत्वपूर्ण कई सवालों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने जवाब टाल गए। सबसे बड़ी बात उनसे पूछी ओपीएस को क्या करेंगे, ओपीएस का क्या मैकेनिज्म होगा, किस प्रकार लागू करेंगे, पिछली नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेंगे या उसे करंट डेट में देंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक चर्चा चल रही है, मेरी अधिकारियों से बैठक हुई है, मैंने समझने का प्रयास किया गया है, कल एनपीएसए के पदाधिकारियों से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा कि आप बताएं कि किस प्रकार से ओल्ड पेंशन दी जाए और आपके पास क्या फार्मूला, किस प्रकार से वित्तीय स्थिति भी ठीक रहे और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन भी दी जा सके। उन्होंने कहा कल महत्वपूर्ण हमारी बैठक होगी, चर्चा होगी, इसमें मुझे फीडबैक आएगा, उसके तुरंत बाद इसका ड्राफ्ट हम फाइनल करेंगे और नए विकल्प के तौर पर, यानी कि जो राजस्थान ने विकल्प दिया, छत्तीसगढ़ ने विकल्प दिया है या जिस तरह पंजाब आ, क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि अब जिस प्रकार का कर्मचारी चयन आयोग पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को लेकर भी राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है और अंदर खाते जिस प्रकार के मुख्यमंत्री को इनपुट मिले हैं, एचपीयू से इनपुट मिले हैं, माना यह जा रहा है कि एचपीयू पर भी जांच की तलवार लट गई है पूरी तरह से, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले बीसी प्रोफेसर सिकंदर भर्तियों को लेकर विवादित हुए, खासकर आउटसोर्स में जिस प्रकार से एचपीयू में चोर दरवाजे से भर्तियां की गई, माना यह जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पर भी हो सकती है। जिस प्रकार से भर्तियों का तथा कथित फर्जीवाड़े को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा, खासकर प्रोफेसर सिकंदर के समय में, कार्यकाल में जिस प्रकार के विवाद एचपीयू में रहे हैं, उसे लेकर भी सुखविंदर सुक्खू सरकार बड़ी कार्रवाई यहाँ पर कर सकती है।